मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, जहां पर शासन कर पाना बहुत ही कठिन था। अपने पूर्वजों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और ये काम पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव था। 16वीं सदी से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्यों का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्यों के पतन के बाद भी टिके रहे। ये एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात में आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रों को संबोधित करते हैं। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था तो उसकी उम्र केवल 12 साल की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उर्च बेंगो के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गही छोड़नी पड़ी थी। कई वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।